दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। अभी का जो बड़ा अपडेट है शिक्षकों के लिए वो है लखनऊ से कि सहायक शिक्षकों के 68,500 पदों पर परीक्षा का फॉर्मेट जारी हो चुका है और ये जो उत्तर प्रदेश में अभी आगे परीक्षा होने वाली है TET के बाद उसके संदर्भ में ये न्यूज़ आई है। तो यूपी के परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के 68,500 रिक्त पदों पर प्रस्तावित भर्ती के लिए परीक्षा का फॉर्मेट जारी हो गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के मुताबिक इसमें वही कैंडिडेट शामिल होंगे जो TET परीक्षा में सफल होंगे। बता दें इस बार TET में 9 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट शामिल हुए थे। अभी तक एकेडमिक मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती होती थी लेकिन अब सरकार ने TET के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने की योजना बनाई है। तो यहाँ पे अगर देखें आगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाषा के तहत 12वीं की कक्षा की हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, एनवायरमेंट एवं सोशल स्टडीज तथा DLED कोर्स के शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति को शामिल किया गया है। 3 घंटे की परीक्षा 150 नंबर की होगी। इसमें लघु प्रश्न ऑप्शनल ना होकर अति लघु स्तरीय के होंगे। वहीं इसका रिजल्ट 30 नवंबर तक आने की संभावना है। इसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजन की तैयारी होगी। तो यहीं पे ये बड़ा अपडेट है दोस्तों और विज्ञापन के जरिए आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। परीक्षा संबंधित विस्तृत जानकारी कैंडिडेट्स तक दैनिक समाचार पत्रों के विज्ञापन के माध्यम से पहुंचा दी गई है। परीक्षा की तारीख पर अभी विचार चल रहा है, तारीख फाइनल होते ही इसकी जानकारी भी कैंडिडेट्स तक पहुंचा दी जाएगी, ये कहना है सर्वेंद्र बहादुर सिंह जो कि डायरेक्टर हैं बेसिक शिक्षा विभाग के वहां पे उत्तर प्रदेश में। तो चलिए दोस्तों यही था अभी का बड़ा अपडेट। आगे के अपडेट के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे फिर से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की सारी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।